मौके पर आपने बीच क्लीन किया, सो उसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को। सालों साल दिनों दिन सिटीजन्स आते हैं, आम नागरिक आते हैं बीचेस साफ़ करने के लिए, इसलिए क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बिहेवियर है, जिस तरह से हम दर्शा रहे हैं और जिस तरह से इरिस्पॉन्सिबली हमने अपने कचरे को यूज़ किया है, वेस्ट मतलब हर चीज़ को हम कचरा, मनुष्य एक ही जंतु है, स्पीसीज है जो कचरा बनाता है। अगर हम कचरा बनाते हैं तो हमें फिर ये योजनाएं भी रखनी चाहिए कि हम अपने कचरे को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे उसे जोड़ेंगे, कैसे उसे सर्कुलर इकोनॉमी में, मतलब प्लास्टिक अगर पर्यावरण में 500 हज़ार साल तक रह जाती है, ये हमको पता है, और हमारे जो खाने पीने की सामग्रियां हैं, शॉपिंग की चीज़ें हैं, रोज़ाना चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब प्लास्टिक में बंद होती हैं, पैकेज होती हैं, तो EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ब्लू और सर्कुलर इकोनॉमी, जिसे कहते हैं कि अगर प्लास्टिक बना रहे हैं तो फिर उसके एंड तक, क्योंकि प्लास्टिक का कोई एंड नहीं होता है, लेकिन वैल्यू चेन बनाना बहुत ज़रूरी है। अफरोज शाह जैसे लोग, इंद्रनील और राबिया जैसे लोग, और देश भर में हीलिंग हिमालयाज है, नॉर्थ में, बंगाल में है लोग, साउथ में है लोग, अब तो हर जगह जुड़ गए हैं लोग गवर्नमेंट्स के साथ काम करने में, पॉलिसी मेकर्स के साथ काम करने में, पॉलिटिशियंस के साथ काम करने में, कि एक तो उनकी जानकारी और भी बढ़े, दूसरा जानकारी के साथ साथ पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो। हम सब जानते हैं कि 21 स्टेट्स में हमारे देश के प्लास्टिक का बैन हुआ है, लेकिन एक भी ऐसा स्टेट बता दीजिए जहाँ पे पूरी तरह से हम लोगों ने बैन ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। जहाँ पे बैन इम्प्लीमेंट हो पाया है वो वहीं हो पाया है क्योंकि आम नागरिक ने कहा कि हम प्लास्टिक का जब उपयोग करेंगे तो उसे वेस्टफुली उपयोग नहीं करेंगे। और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो सबसे ख़तरनाक है, आपने आज सुबह में देखा होगा, और ये हम बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, और थकते नहीं हैं दोहराते हुए, क्योंकि ये समस्या हम सबके, सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं, हम सबके लिए हानिकारक है। प्लास्टिक प्रदूषण से जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य सबके स्वास्थ्य को हानि पहुंच रहा है। तो एज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज अ सिटीज़न ऑफ दिस प्लैनेट, ऑन दिस वंडरफुल डे, अ हैप्पी रिपब्लिक डे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें ये गारंटी करता है कि हर नागरिक, हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु, सबको आज़ादी मिले, खुशी मिले, स्वास्थ्य मिले, मौका मिले, सबके लिए है ये। आपके हिसाब से आप जुड़े इससे, थैंक यू। आपका बहुत बिजी दिन था होगा और रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रही हैं। मैं प्रज्ञा कपूर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो उन्होंने कितने सारे हमारी इंडस्ट्री के लोगों को, आर्टिस्ट को आज वो इस बीच पर ले आई उनकी जानकारी और बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हमारी इंडिविजुअल लेवल पर जानकारी बढ़ेगी, आप बच्चों को सफाई करते हुए देखिए, आपको इस बात का एहसास होगा कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है समाज में। भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि कंगना रनौत और करण जौहर को पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, सो इस पर आपको क्या रेट? मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू मैम। मैंने आज इस बीच पे किए और खून की नहीं पसीने की कमाई है आज। हेलो, यार आई थिंक ये तो मतलब कोई डे नहीं होना चाहिए इसके लिए, बट आई थिंक प्रज्ञा चोज टुडे बिकॉज ऑल्सो प्रज्ञा को पता था कि 26 जनवरी को शूट नहीं होता है, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वर्किंग, वी नॉट अलाउड टू वर्क, इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, तो आई थिंक दैट्स वाई शी चोज रिपब्लिक डे, एंड वॉट बेटर वे टू एक्चुअली रिपब्लिक डे के दिन, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है ना। आई थिंक हम बोलते रहते हैं हम मेरा भारत महान, अभी हम बनाने आए हैं, थोड़ा सा साफ करने आए हैं, एंड आई थिंक दिस इनिशिएटिव बहुत टाइम से है, 2 साल से तो माहिम में ही है, हमने वर्सोवा बीच देखा है, हमने बाकी सारे बीचेस देखे हैं, एंड वी हैव सीन, आई थिंक मुझे जितना पता है, मैं क्योंकि वर्सोवा बीच ज़्यादा जाता हूँ, तो आई कैन सी द चेंज। आज 2-2.5 साल के बाद आपको एक्चुअली बीच बहुत साफ दिखता है, तो आई थिंक
यू नो वो जो एस्पेक्ट है ना कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा. आई थिंक दिस इज जस्ट एन एस्पेक्ट, दिस इज जस्ट अ वे, अ गुड स्टार्ट. क्योंकि अगर आज 100 या 200 या जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके कचरा भी उठाया है, तो इफ़ वी डू दिस एवरी वीकेंड, इवन वंस, एवरी वन एटलीस्ट इन दिस सिटी, रूल बन जाना चाहिए हर घर में कि आज बिल्डिंग नंबर 100 एंड 100 का काम है कि वो एक बीच को क्लीन करें. आई थिंक मेन रीज़न, आज मैंने बहुत टाइम बाद किया, तीसरी या चौथी बार किया मैंने. एवरी टाइम आई क्लीन द बीच, मैं 10 बार सोचता हूँ कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी फेंकने से पहले, क्योंकि सडनली मुझे याद आता है कि बेटा जब उठाना पड़ता है तो इट्स नॉट द नाइसेस्ट थिंग टू डू लुक वाइज और फील वाइज, बट आई थिंक आप एक बार ही खुद कचरा उठाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि कचरा इवेंचुअली एंड अप कैसे होता है और आप खुद ही कचरा नहीं फेंकोगे. सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी गाइस, इट्स रिपब्लिक डे एंड हम लोग बात करते रहते हैं कि लेट्स हैव लाइक अ क्लीनर कंट्री एंड अ बेटर कंट्री एंड अ बेटर गवर्नमेंट एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स. अगर थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें भी हम अपने में बदलेंगे, स्पेशली द प्लास्टिक, बिकॉज जितना भी कचरा हमने उठाया, 95% ऑफ दैट एंटायर पाइल वॉज प्लास्टिक, एंड प्लास्टिक दैट वॉज डीपली एम्बेडेड इन द सॉइल, तो बहुत मुश्किल होता है प्लास्टिक को निकालना. सो हैप्पी रिपब्लिक डे. एंड यार मतलब कंग्रेचुलेशन, मैंने पढ़ा नहीं है आज की न्यूज़ में, आज आया कल आया था, मैंने पढ़ा नहीं, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑफ देम. आई थिंक टॉकिंग फ्रॉम अ फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक, या मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक दीज टू पीपल, करण एंड कंगना, उन्होंने जो किया है इंडस्ट्री के लिए, आई थिंक वी ऑल नो, बहुत काबिल तारीफ है. एंड आई थिंक ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन. Thank you so much guys. Thank you.